हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम क्लास फोर्थ का टॉपिक पढ़ेंगे, विशेषण। विशेषण की क्या परिभाषा होती है? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो संज्ञा की या सर्वनाम की क्वालिटी बताएं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। विशेष्य क्या होता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, ऊंची छत। ऊंची क्या है इसमें? विशेषण। और छत क्या है? विशेष्य। और छत क्या है? संज्ञा शब्द है। राम सुंदर है। राम क्या है? संज्ञा वर्ण। और राम क्या है? विशेष्य। और सुंदर क्या है? विशेषण। तो यानी कि राम की जो क्वालिटी है वो क्या है? सुंदर। छत की क्वालिटी क्या है? ऊंची। ठीक है, तो ये विशेषण शब्द हुए। ठीक है, विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, ताजमहल बहुत सुंदर है, वह बहुत पतली है। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पे निश्चित है कितने बच्चे हैं? 40। मेज पर कुछ किताबें रखी हैं। कुछ मतलब उनकी हमें संख्या नहीं पता कि कितनी किताबें हैं, तो कुछ। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पिताजी 4 किलो चीनी लाए, माँ ने कुछ दालें भी खरीदी। अब आता है सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह साइकिल मेरी है, तो साइकिल क्या है? संज्ञा शब्द। और यह क्या है? सर्वनाम शब्द। तो ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? ये संज्ञा शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। यह घर हमारा है। ठीक है, समझ में आ गया? निम्नलिखित विशेष्यों के लिए उचित विशेषण लिखिए। अभ्यास कार्य करेंगे आप। निम्नलिखित विशेष्यों के लिए उचित विशेषण लिखिए। अब जैसे ये सैनिक है, सैनिक क्या है? हमारा विशेष्य शब्द। तो सैनिक क्या होते हैं? वीर, है ना। ऊंचा हिमालय, डैश लड़का, चतुर लड़का, डैश साइकिल, नई साइकिल, डैश फूल, सुंदर फूल। ठीक, वाक्यों में विशेषण शब्द तथा विशेष्य छांटिए। नौकर ने लाल कमीज धो दी, तो इसमें विशेषण क्या है? लाल। और विशेष्य क्या है? कमीज। यानी कि कमीज की विशेषता है लाल, तो विशेष्य वर्ड हो गया आपका कमीज और विशेषण हो गया लाल। माँ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया है, तो इसमें विशेषण क्या है? स्वादिष्ट। और विशेष्य क्या है? भोजन। मैंने 5 किताबें खरीदी, विशेषण है इसमें 5 और विशेष्य है इसमें किताबें। रघुवंश ईमानदार व्यक्ति है, तो इसमें विशेषण क्या है? ईमानदार। और विशेष्य क्या है इसमें? रघुवंश। मिर्च तीखी है, तो विशेषण क्या है? तीखी। और विशेष्य है मिर्च। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसको आप रीड करना, लर्न करना एंड स्टे होम स्टे सेफ। ओके, बाय।